इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Realme फोन्स पे अपने फोटोज को कैसे रिस्टोर कर सकते हो। बेसिकली अगर आप कोई फोटो को डिलीट कर देते हो और अगर आपने उसका बैकअप क्रिएट नहीं किया होता है, Realme फोन्स उन सारे फोटोज को अपने क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करता जाता है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल ऐप की रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं होती। आपको बस जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो कि आपका जो Realme का डिवाइस है वो किस ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से लॉगिन है। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो आपको यहाँ अकाउंट सेक्शन में मिल जाएगा और यहाँ से आपको देख लेना है कि ये जो अकाउंट है वहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर आपको ध्यान रखना है और उसका पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से जाकर उसे चेंज कर सकते हो। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आपको सिंपली कन्फर्म कर देना है, कन्फर्म करके वहाँ न्यू पासवर्ड चेंज कर लेना है। ये सब की रिक्वायर्ड होगी जब लॉगिन करूंगा आगे के प्रोसेस में। किन्हीं किन्हीं फोन्स में ये बैकअप वाली फीचर जो होती है वो ऑफ होती है, तो आपको सिंपली पहले उसे ऑन कर लेना है और उसके लिए आपको सिंपली अपने गैलरी में जाना है, गैलरीज के फोटोज में जाना है और वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा और यहाँ पे सिंपली तीन डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। वहाँ जाने के बाद ऑटो सिंक का एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर, आपको ये ऑप्शन अपने फ़ोन में खोजना है और उसे यहाँ पे क्लिक करके उसे ऑन कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट होने जा रही है, वही पासवर्ड जो कि वहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चेंज करने के लिए बोली थी। सिंपली आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना पुट करना है और स्टार्ट कर देना है। मोस्ट ऑफ द फोन्स में पहले से ही आपको ये बैकअप ऑन देखने को मिलेगी। बाकी उसके बाद आपको अपना सिंपली गूगल क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलते ही यहाँ पे आपको सर्च करना है Realme क्लाउड। आपको टॉप पे यहाँ एक वेबसाइट जो भी मिलेगा cloud.realme.com, आपको सिर्फ इसी पे लॉगिन करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके पास एक लॉगिन पेज खुलेगा, लॉगिन पेज में यहाँ अकाउंट वही डालना है जो मैंने बताया था, जो कि आपके अबाउट सेक्शन में होगी। यहाँ सिंपली आपको फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो मैं डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड कर। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ एक सिक्योरिटी वेरीफिकेशन बोलेगा, तो ये कुछ बस ड्रैग करके यहाँ पहुँचा देना है इसे, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही ये वेरीफाई होगा तो यहाँ साइन इन का प्रोसेस लेने लगेगा और हमारे सब कुछ खुल जाएंगे, फ़ोटोज, SMS, कॉन्टैक्ट और ब्राउजर, और जितने भी फ़ोटोज आपके फ़ोन में थे पहले से वो सारे आपके यहाँ मौजूद होंगे। मैं दिखाऊँ तो मेरी 2053 फ़ोटोज जो मैंने कब की डिलीट कर दी थी वो सारे यहाँ मौजूद हैं और मैं चाहूँ तो इन्हें रिकवर कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। मैं चाहूँ तो इसे मैं रिकवर कर सकता हूँ। रिकवर करने के लिए सिंपली आपको उस वाले फ़ोटोज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा तीन ऑप्शन, यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तीसरा ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये वाली जो फ़ोटो होगी वो डिलीट हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा डाउनलोडिंग फाइल 1.25 MB का, जो कि ओरिजिनल साइज थी इस फाइल की, वो उतना ही MB में ये डाउनलोड हो गई। इनका यूज करके आप SMS, कॉन्टैक्ट और ब्राउजर्स की भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। Realme के इस वाली हिडन फीचर्स के बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है। इसे हम लोग हेड टैप क्लाउड स्टोरेज भी बोलते हैं और ये सारे Realme के फ़ोन्स में अवेलेबल होता है। मतलब कि आप कुछ भी फ़ोन्स में लाते हो तो आप उन फोटोज को एक्सेस कर सकते हो अगर आपने उसे डिलीट कर भी दिया हो तो। और ये फ़ोटोज आपकी तभी डिलीट होगी जब आपका ये जो 3.8 GB का आपका स्टोरेज है वो फुल हो जाएगा, तो नीचे से जो फ़ोटोज है जो कि आपकी पुरानी फ़ोटोज है वो सारी डिलीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी एक्सीड करेगा साइज को। होप सो आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस फीचर के बारे में जानकर आपको मज़ा आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।